हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नगर पे। और आज हम फिर से आए इस्कॉन कंप्यूटर्स पे। तो आपको जो है दिख रहा होगा यहाँ पर काफ़ी सारे जो है मॉडल्स नए आए हैं जो पिछले वीडियो में नहीं थे। अगर आपने जो है इस्कॉन कंप्यूटर की पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में जो है उसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो है लिंक दे दूँगा मैं आपको, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं भैया से। ये है इस्कॉन कंप्यूटर्स के ओनर। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो सर एक बार थोड़ा इंट्रो दे, अपने बारे में बताएं। हाय, मेरा नाम संदीप है जी। लास्ट वीडियो में मैं आपके सामने नहीं आ पाया था, किसी कारण से बाहर गया हुआ था जी। तो इस बार आप लोगों से मुलाकात हुई है जी। तो सर बात करें, पिछली वीडियो का जो रेस्पॉन्स रहा वो कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। हमने जितना उम्मीद नहीं किया था उससे कहीं कई गुना ज़्यादा अच्छा वीडियो था। ऑर्डर काफ़ी बढ़िया मात्रा में आए थे, जो उस समय हमने स्टॉक में दिखाए थे आपको, एक कम से कम रेट वाले जो इजी वे में कोई भी ले सकता है। तो वो प्रिंटर हमारे जैसे एक महीने के अंदर ही सारा स्टॉक क्लियर हो गया था, जो कि लंबा स्टॉक था हमारे पास। मतलब उम्मीद से बढ़कर था, उम्मीद से बढ़कर था। और उसकी अभी तक इतनी डिमांड आ रही है और वो भविष्य में आना नहीं है, मतलब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा जो लोट आता है वो बहुत कम आता है, कभी कभी आता है। तो महीने भर में ही जो है सर का स्टॉक ओवर हो गया था। सर काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स को जो प्रॉब्लम्स भी आई थी कि जो उनको मॉडल चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था, साथ में कुछ कोरियर का भी इशू हो गया था, तो उसके बारे में सर क्या प्रॉब्लम्स थी सर? वो उसके कुछ रीज़न थे एक्चुअल में, वो जैसे कि सस्ते रेट के थे एक तो, दूसरा उनके सप्लाई में दिक्कत आ रही थी। हाँ। पीछे से इतना आ नहीं रहा था मटेरियल, तो वो दिक्कत भी थी। कुछ कोरोना काल की वजह से भी दिक्कत आ रही थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें काफ़ी सारी जो कोरियर कंपनी जो है बंद भी हो गई थी। इसके भी रीजंस यही था कि जो कोरियर कंपनी थी वो आपको डिले कर रही थी। काफ़ी बार क्या होता था कि ऑर्डर बुक हो जाता था लेकिन वहाँ पर कोरियर वाला आता ही नहीं था, साथ में जो है पार्ट्स वगैरह भी जो है प्रॉपर मिल नहीं पा रहे थे, तो उस कारण थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन इस बार जो है सर की जो सर्विस रहेगी वो बेस्ट रहेगी जी। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम जो ऑर्डर लिए थे कई उसमें से डिले हुए थे, उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं जी। और संभावना है नेक्स्ट टाइम में ऐसा कभी होगा नहीं जी, क्योंकि वो क्या एक शुरुआत था जी। जी बिल्कुल, उम्मीद से बढ़कर हो गया था और सर्विस जो है प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन इस बार जो है आपको जो सर्विस मिलेगी वो सबसे बेस्ट मिलेगी। तो सर जो आज की जो वीडियो में हम किस टाइप के प्रिंटर के ऊपर बात करने वाले हैं? इस बार जो हम प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं वो पिछले वीडियो की रिस्पांस के अनुसार ही हमने वीडियो मंगवाए हैं प्रिंटर। तो वो प्रिंटर हमारे पास इस बार लोगों की डिमांड थी, जैसे कि डुप्लेक्स प्रिंटर चाहिए, नेटवर्क प्रिंटर चाहिए, तो उसको देखते हुए हमने डुप्लेक्स और नेटवर्क के प्रिंटर ज़्यादा मंगाए हैं जी। तो सर का जो है दो गोदाम है, एक गोदाम जो है जिसमें मैन काफ़ी सारा जो है स्टॉक, उसकी मैं क्लिप आपको जो है वीडियो में दिखाऊँगा, साथ में जो है एक दूसरे गोदाम पर भी चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो भैया सबसे पहले जो है किस प्रिंटर के बारे में बताओगे? भैया सबसे पहले तो मैं आपको वो प्रिंटर दिखाना चाहता हूँ जिस प्रिंटर की वजह से हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई थी जी। जी, एक तो सस्ता वाला प्रिंटर था। हाँ, उसकी डिमांड आनी थी। और उसके अलावा एक प्रिंटर जो था रनिंग में मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है ये जी। ये HP के प्रिंटर आते हैं 1020 इस टाइप के मॉडल, या कैनन का 2900। ये प्रिंटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रोवाइड करवाना मुश्किल काम है जी। बहुत कम टाइम में ऐसे आते हैं लॉट, जिस टाइम हम दे पाते हैं तो इजी वे में दे देते हैं जी। तो और भी अभी इसका स्टॉक सर अपने पास होगा? अभी इसके 2-3 पीस होंगे हमारे पास में जी, वैसे वो भी ऑर्डर के हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर आपको इस टाइप के जो है सस्ते प्रिंटर जो पिछली वीडियो में दिखाए थे अगर चाहिए तो एक बार सर को कांटेक्ट कर लीजिए। हालांकि अभी स्टॉक है नहीं, लेकिन जैसे भी अवेलेबल होगा आपको वीडियो के थ्रू या फिर आप कॉल करके सर से पूछ सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो आपको जो है सर प्रोवाइड करा देंगे। सर ये इन जो ये इस टाइप के जो प्रिंटर आते हैं वो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है सर इनकी? इनकी रेंज उस समय जब हम लास्ट वीडियो के समय हमने दिया था तो उस समय लगभग 4-5 हज़ार की रेंज में मिल रहे थे जी। आज यही प्रिंटर की रेट 6,000 के आसपास पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो इनको अभी हमारा बेचना भी थोड़ा टफ काम हो रहा है और सामने वाले का परचेस करना भी टफ काम है, क्योंकि रेटें इतनी ज़्यादा हैं कोई भी एफर्ट करता नहीं जल्दी से, सिर्फ एक वो डिमांड है कि हाँ ये प्रिंटर ज़्यादा फ्लो में है उस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वरना इससे बढ़िया बढ़िया प्रिंटर हमारे पास आपको अवेलेबल हैं, हम दिखाते हैं आपको जी। जैसे कि हमारे पास में अभी लेटेस्ट में प्रिंटर आए हुए हैं, ये ब्रदर के हैं, HP के हैं, HP के कई सारे मॉडल आए हुए हैं, ब्रदर के भी बहुत सारे मॉडल आए हुए हैं जी, और कैनन के भी आते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रिंटर रहते हैं। जैसे अभी ये सैमसंग का प्रिंटर है, स्टार्टिंग रेंज हम आपको दिखाते हैं जी। ये आपको जैसे स्टार्टिंग अभी हमारी 3000 से स्टार्ट है, 3000 से स्टार्टिंग है जी। जी
इसमें आपको डुप्लेक्स और नेटवर्क दोनों मिल जाएगा। इस प्रिंटर की खासियत ये है जी। सर ये इस टाइप के जो है, जैसे अगर कोई शॉप के लिए या घर के लिए यूज़ लेना चाहे तो वो कैसा रहेगा सर? बिल्कुल मंगवा सकते हैं, ये प्रिंटर बहुत बढ़िया प्रिंटर है, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें। और उसके बाद में सर? इसके बाद में आप थोड़ा सा बढ़िया रेंज में आते हैं तो आपको हाई स्पीड में प्रिंटर मिलते हैं जी। जैसे ब्रदर का ये प्रिंटर है, ये अभी डिमांडिंग भी इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है अभी इस टाइम में मार्केट में। ब्रदर का एक अपना ही लेवल चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो ब्रदर का ये प्रिंटर आप देखेंगे 30 ppm की स्पीड है इसकी जी, और 250 पेपर ट्रे में इसके लोड हो जाते हैं एक बार में जी। डुप्लेक्स है, नेटवर्क है और काफ़ी सारे अच्छे बड़े बड़े फीचर है इसमें जी। और इसकी एक सबसे बढ़िया खासियत ये है कि आप इसको कस्टमर हैं जो परेशान इस चीज़ को लेकर के नहीं होगा कि यार मैं रिफ़िल कहाँ कराऊँ, इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं। जैसे दूर दराज में कहीं पे जाते हैं जी तो प्रिंटरों में ये दिक्कत आ जाती है कि भैया हम रिफ़िल कहाँ से कराएं जी, ऐसा कोई प्रिंटर दे दो हम ही रिफ़िल कर लें। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उनके लिए सबसे बेस्ट है ये प्रिंटर, आप देखना चाहेंगे। इसकी ये कार्टेज यूनिट है, इसको एकदम ईजी है, आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं बाहर जी। एक यहाँ पे लॉक होता है, उसको बस दबाया और ये कार्टेज बाहर आ गई। फिर ये इसका कैप है, इसको हटाइए और आप आराम से इस कैप हटा करके इसको रिफ़िल कर सकते हैं, आराम से रिफ़िल कर सकते हैं। और मॉडलों में जो है ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती, आपको जो है मार्केट में ही जाना पड़ता है रिफ़िल के लिए जी जी जी। लेकिन इस मॉडल में जो है आप खुद ही घर पे जो है रिफ़िल कर सकते हैं, रिफ़िल इंक आप ला सकते हैं और यहाँ पर जो है इजी वे में जो है ये रिफ़िल हो जाएगा। और ये अभी डिमांडिंग भी काफ़ी पॉपुलर मॉडल है ये ब्रदर का। नेक्स्ट में आप आइए सर, इधर आपको दिखाते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सर के पास में जो है अभी इसका जो है स्टॉक काफ़ी सारा है इस मॉडल का, क्योंकि ये डिमांडिंग भी पीस है। तो अभी मैं जो है आपको गोडाउन पे लेके चलूँगा और यहाँ पर जो है आपको इसके काफ़ी सारा लोड देखने को मिलेगा जो रेडी है। आप जब भी ऑर्डर देंगे आपके लिए सेम डे जो है कुरियर लग जाएगा। जैसे कि ये एच पी का प्रिंटर है जी, एच पी का 2014, 2015, 2035, 2020 ऐसे कई सारे मॉडल हैं जी। एच पी के 400 हैं, डुप्लेक्स नेटवर्क प्रिंटर हैं ये सब। जैसे ये प्रिंटर है इसमें डुप्लेक्स नहीं आता पर नेटवर्क का है, ये है डुप्लेक्स नेटवर्क के साथ में, सब हाई स्पीड प्रिंटर है अभी हमारे पास जी। पहले जिस टाइम में आपको दिखाया था उस समय हमारे पास नॉर्मल प्रिंटर थे जी, जिनकी डिमांड तो ज़रूर आती है लेकिन उसमें उतने फ़ीचर नहीं है। इस बार जो आपको दिखा रहे हैं उसमें फ़ीचर ज़्यादा हैं और डिमांड भले ही इनकी कम है क्योंकि लोग इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप देखेंगे सरकारी डिपार्टमेंट में और सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में, कहीं पे भी देखेंगे आपको हाई स्पीड वाले प्रिंटर ये वाले मिलेंगे जी। तो आप भी इस तरीके से कह सकते हैं अगर आपका यूजेज ज़्यादा है या फिर आप शॉप के लिए लेना चाहें तो ये प्रिंटर आपके लिए जो है बेस्ट रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे प्रिंटर हैं तो इनमें इनकी भी कार्टेज रिफिलिंग बहुत ईजी है, आपके आस पास नियर में कहीं भी आपको कार्टेज इसकी मिल जाएगी जी। नहीं आपको मिलती है तो आप हमसे कोरियर में मंगा सकते हैं, हम भी आपको दे देंगे। आप देख सकते हैं कार्टेज की आप सफाई देखिए, जिन प्रिंटरों ज़्यादातर प्रिंटरों के साथ में हम ओरिजिनल कार्टेज ही देते हैं। अगर किसी में कार्टेज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी जगह हम कंपेटेबल या दूसरी कार्टेज लगा के देते हैं जो एक नई होती है जी। जैसे आप सिंगल फंक्शन में लेते हैं तो आप सिंगल फंक्शन की जगह हमने डुप्लेक्स नेटवर्क दे रखे हैं तो ऑब्वियसली इनकी थोड़ी सी रेट हाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जैसे 4-5-6 हज़ार की रेंज में आपको बढ़िया बढ़िया प्रिंटर मिल जाएंगे जी। ये है तो आप जैसे आप देखते हैं ये वाले प्रिंटर हो गया, मॉडल आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं तो उस समय आप हमें फ़ोन कर सकते हैं जी कि आपको जैसे कोई डिमांड होती है। जैसे आप वीडियो तो अभी बनाया, 4 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे, तब तक ये सेम मॉडल मिलेंगे नहीं, दूसरे मॉडल मिलेंगे। तो आपको जो भी मॉडल इन मॉडलों के अलावा या फिर कोई अदर मॉडल है तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर के जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, साथ में मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी सर के जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं वीडियो अगर आपको मान लीजिए कुछ और सर्विसेज के बारे में पूछना है या फिर कुछ देखना है तो। सो दोस्तों जो है भैया का एक दूसरा गोदाम भी है जहाँ पर यहाँ से अभी जो है काफ़ी डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर जाकर शूट करना तो अभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन आपको जो है मैं कुछ क्लिप्स ऐड करता हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना सारा स्टॉक आपके लिए रेडी है। जैसे ये एच पी का प्रिंटर है, ये लेजर जेट प्रिंटर है जी। इसके अलावा आप आते हैं ब्रदर में लेजर जेट प्रिंटर आए हुए हैं हमारे पास जो जी, जिसका स्टॉक हमें आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे अभी जी जी। ये जो है गोदाम पे काफ़ी सारे हैं अपने पास में
ये भी है वहाँ पे जी। सर ये इसके जो है फीचर्स एक बार सब्सक्राइबर्स को बताएंगे सर? फीचर इसमें सर फैक्स भी है, कॉपी है, स्कैन है, प्रिंट आउट है और डुप्लेक्स है, नेटवर्क है। इसके साथ आप इसमें एक बढ़िया फीचर और है, यूएसबी के साथ में भी प्रिंट आउट है। यूएसबी के साथ प्रिंट आउट है आप? जी, ये भी हम आपको काफ़ी अच्छी रेट में दे रहे हैं। इसके साथ में एडीएफ भी है इनमें। ओके, एक साथ बल्क में आप क्वांटिटी में पेपर लगाइए जी और पेपर डालिए, ऑटोमेटिक स्कैन करेगा, स्कैन करता जाएगा। और जैसे आपको मतलब जो बड़ी मशीनों में जैसे फीचर्स मिलते हैं वो सारे लगभग सारे फीचर इसमें हैं जी। तो ये आपको जो है काफ़ी रीजनेबल रेट में जो है आपको मिल जाएंगे। कोई सा भी मॉडल हो, अगर आपको प्राइस के मामले में या फीचर्स के मामले में अगर कोई भी आपको डाउट है या कुछ इंक्वायरी है तो सर को आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं सर के गोदाम पे, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कुछ आपके लिए रेडी स्टॉक है, जो आज की जो डिमांड है वो चाहे आप घर के लिए यूज़ लें या ऑफिस के लिए यूज़ लें। तो काफ़ी सारे जो है मॉडल सब्सक्राइबर्स को उनकी ज़रूरत होती है जो पॉपुलर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका जो इस मॉडल का जो है स्टॉक हम जो है आपको गोदाम पे चल के दिखाते हैं। तो हम ये बिया का जो है एक गोदाम है जो शॉप के पास में ही है। इसके अलावा भी बिया का एक जो है बहुत बड़ा गोदाम है, उसका व्यू मैं आपको जो है वीडियो के बीच में डालूंगा। और हो सकता है हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो बिया के दूसरे गोदाम पे करें, तो भैया जो है आपको इस स्टॉक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये अभी लेटेस्ट प्रिंटर आए हुए हैं ब्रदर कंपनी के, इसकी स्पीड है 30 ppm की। जो लेटेस्ट अभी जितने भी प्रिंटर आ रहे हैं उनमें हाई क्वालिटी में हो गया, ये हाई स्पीड प्रिंटर है। नॉर्मली जैसे HP के अपन प्रिंटर लेते हैं तो 15-20 ppm 22 ppm तक आते हैं जी। ये प्रिंटर की स्पीड इतनी है कि एक बार में प्रिंट देते हैं तो 30 प्रिंट निकाल देता है। तो सर ये जो ब्रदर का कौन सा मॉडल है सर? ये ब्रदर का 5350 मॉडल है। 5350 मॉडल आप स्टॉक देख सकते हैं, काफ़ी स्टॉक है और ये रेडी है स्टॉक। तो सर में एक मॉडल और आया हुआ है, ये ब्रदर का 5450 मॉडल है। 5450 जी, तो आप देख सकते हैं ब्रदर्स के जो है काफ़ी सारे जो है आपको यहाँ पर मॉडल मिल जाएंगे। तो एक बार मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक बार इसके जो है प्रिंट क्वालिटी हमें जो है बताएं। बिल्कुल, ऐसे हम आपको टेस्ट प्रिंट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सर, ये देखिए क्या क्वालिटी है, बिल्कुल शानदार क्वालिटी में जो है आपके यहाँ पर प्रिंट निकाल रहा है। तो जितने भी जो प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पूरा स्टॉक रेडी है। आप जब भी ऑर्डर देंगे यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कीबोर्ड्स भी है। तो सर ये ओरिजिनल कीबोर्ड है ये? जी सर, ये TVS का ओरिजिनल कीबोर्ड आता है जी। नए की कीमत इसकी 2100-2200 के समथिंग आती है। ठीक है, और अगर बात करें कि ये कस्टमर को कितने का मिल जाएगा? ये जैसे हमारे पास होते हैं रीफर्बिश जी, सेकेंड जी, और इनके सालों साल कुछ नहीं बिगड़ता, आगे से चलते जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको TVS के तो कीबोर्ड वैसे ही फेमस है क्वालिटी, हाई क्वालिटी होती है जी। तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 75% डिस्काउंट में, मात्र 25% में ही जो है आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा जी। 75% तक का आपको जो है इन कीबोर्ड्स पे डिस्काउंट है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी खाली TVS ही नहीं, दूसरे कीबोर्ड भी मिल जाएंगे हमारे पास, जैसे लॉजिटेक के हो गए जी, सारी ब्रांडेड जितने भी कंपनी हो, HP के, लॉजिटेक के, इस तरह से अलग अलग ब्रांड के हमारे पास मिल जाएंगे, लेकिन जो भी होंगे सो ब्रांडेड के होंगे जी। तो आपको जो है अगर आपको ओरिजिनल कीबोर्ड चाहिए तो भी आपसे भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जैसे ये कोई बाहर से मंगवाना चाहिए एक पीस, तो क्या कोरियर हो जाएगा? एक पीस के लिए भी कोरियर हो जाएगा, लेकिन कोरियर कॉस्ट आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी जी। अगर आप बल्क में मंगाते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा जी, तो क्योंकि एक पीस के जितना कोरियर उतना चार्ज हो जाएगा, जितनी इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू होगी उतना लगभग चार्ज बन जाएगा। तो इसके साथ ही हम आपको एक बढ़िया ऑफर दे रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये वीडियो अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट में बढ़िया ऑफर देंगे जी। जी, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हम सारे प्रिंटरों के साथ में, अभी हमारे पास जितने तरह के प्रिंटर होंगे जी, पर कस्टमर जैसे जो प्रिंटर मंगा रहे हैं उनको एक इंक की बोतल साथ में देंगे हम जी। कोई सा भी प्रिंटर हो साथ में एक इंक की बोतल ऑफर के लिए आपके लिए गिफ्ट है। बिल्कुल, तो आप जल्दी से ऑर्डर करें और अपने गिफ्ट का जो है बेनिफिट लें। तो आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें जिससे उनको जो है बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'm on the next level, next, next, next level, on the next level. They all trying to catch up to my next level, next, next, next level, on the